ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा आने वाली अमावस्या पर आप किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि चंद्र की शक्ति का प्रभाव आप बहुत ही सटीक रूप से अपनी साधना पर प्रयोग करें। मैंने आपको पहले बताया था कि अमावस्या और पूर्णमासी पूर्णिमा जो है एक स्वर्योगी के लिए अत्यधिक महत्व के दिन है। अब उसके महत्व का लाभ हम कैसे उठाएं? अमावस्या के दिन आपने उपवास करना है, तो उपवास किस प्रकार का होगा? वो उस उपवास में आपने सिर्फ पानी पीना है। जब भूख लगे तो पानी, प्यास लगे तो पानी, कुछ भी खाना नहीं है। सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाना। अपने शरीर की शुद्धि करनी है और उस समय आपका शरीर चंद्र की शक्ति के अत्यधिक निकट होगा, जब आपकी शक्ति पाचन में व्यर्थ नहीं होगी। इसलिए हम यह मानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के उपवास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिए, हम आम तौर पर ही एकादशी, पूर्णमासी और अमावस्या और अन्य जो हमारे त्यौहार हैं वो इसी बात पर आधारित हैं कि हम उनमें उपवास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वर्ष में नवरात्रि के उपवास हैं। मैं फिर कभी आपको नवरात्रि के उपवास की महिमा, उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कल के लिए आप यह समझ लें कि आपने अमावस्या पर उपवास करना है, सिर्फ जल का ही सेवन करना है सुबह से लेकर रात तक। अगर आप थोड़ा और यौगिक विधि से करना चाहें तो आप एक दिन पहले शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन, देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। मैं आपको अनेक बार पहले बताया है ये बात। 72,000 नाड़ियों में से 10 हमारे शरीर में मुख्य नाड़ियां हैं, जिसमें से के 5 दाएं और 5 बाएं हिस्से में होती हैं। और जो नाड़ी हमारे गुदा स्थान में है उसका नाम है शंखिनी। जो हमारे लिंग स्थान में है उसका नाम है कुहू। तो शंखिनी नाड़ी की शुद्धि, शंखिनी नाड़ी का प्रक्षालन, वो क्रिया है शंख प्रक्षालन। इसको दूसरे रूप में भी समझाया जाता है। जैसे शंख को हम प्रक्षालित करते हैं, साफ कर देते हैं, मुख से पानी निकालते हैं और दूसरी ओर से पानी को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी क्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक उसी रंग का पानी बाहर ना निकलने लगे। इसका मतलब ये होता है कि पात्र वो साफ हो गया। अब आपको थोड़ा इस शंख प्रक्षालन क्रिया के बारे में बताता हूं, ताकि शायद कोई एक्सपर्ट आपके नजदीक ना हो तब भी आप इस क्रिया को करके लाभ ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो, और उस पानी में नमक मिलाना है, काला नमक, सेंधा नमक नहीं, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट जिसे कहते हैं। आप बाजार जाएंगे, दुकान वाले को पता है वो क्या होता है। काला नमक एक गिलास पानी में लगभग आधा चम्मच से थोड़ा कम मिलाएं और उसको पिए। 3-4 गिलास पानी पीकर थोड़ी सैर करें। फिर आपका शौच के लिए, जब जाने की इच्छा हो तो शौच के लिए जाएं। ऐसे लगभग 5-7 बार जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके गुदा द्वार से सिर्फ पानी ही बाहर निकल रहा है। जो सॉलिड स्टूल था वो पास हो चुका है पहले ही, अब पानी बाहर निकल रहा है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिस रंग का पानी आप पी रहे हैं, नमक मिला है इसमें तो रंग इसका कैसा दिखाई देता है, उसी रंग का पानी आपके गुदा द्वार से बाहर निकलेगा।
यह संकेत है कि होंठ से लेकर गुदा द्वार तक हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया। लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी जिनका हाई रहता है, वो इसमें नमक मिलाने से बचें पानी में। तो उन्होंने नमक की जगह क्या मिलाना है, वो मिला सकते हैं आंवले का पाउडर। आंवला एक फल होता है, उसका पाउडर भी बाजार में मिलता है। उस पाउडर को पानी में मिलाएंगे तो वो वही शुद्धि का काम करेगा जैसा कि नमक करता है। अगर आपको बीपी और हार्ट की समस्या नहीं है तो आप काले नमक का प्रयोग करें, क्योंकि काला नमक नमक जो है ना, वो शुद्ध करता है। आप बाहर भी किसी चीज को साफ करते हैं तो नमक वाले पानी से साफ करते हैं तो गंदगी सारी साफ हो जाती है। इस तरह से आपने सालों साल जो तेल मसाले इतने खाए हैं वो शरीर अंदर से साफ नहीं है। थोड़ा सा भी हाथ में तेल लगता है, आप साफ करते हो ना, साबुन से धोते हो, लेकिन अंदर इतना खा रहे हो, इतने सालों सालों से खा रहे हो, वो सब गंदगी बाहर निकलेगी शंख प्रक्षालन क्रिया के समय। और शंख प्रक्षालन है शंखिनी नाड़ी की शुद्धि। तो इस तरह से आप शंख प्रक्षालन क्रिया कर सकते हो एक दिन पहले। और जब आप अगले दिन अमावस्या के उपवास को शुरू करोगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत शरीर में हल्कापन लगेगा, आधे से ज्यादा शरीर के रोग तो नष्ट हो ही जाएंगे। अब आपको बताता हूं इस कोर्स के बारे में जो मैं शुरू कर रहा हूं। पहले तो मैं ऐसा विचार मेरा था कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके और आपको उनके लिंक दे दूंगा, लेकिन अब थोड़ा विचार परिवर्तन हो गया है मेरा। जब आप सब लोगों ने पूछा और इच्छा जताई तो मैंने अब ये निर्णय लिया है कि मैं अब लाइव आकर ही आपको सिखाऊंगा। और अब एक और भी परिवर्तन हो गया है, लाइव आने पर ऐसा तो नहीं है कि 100-150-200 लोग होंगे और सबको सिखाऊंगा मैं, तब तो आप ऐसे ही समझें कि वो वीडियो चल रहा है आपके सामने। क्योंकि एक क्लास की, एक सेशन की एक लिमिट होती है, ताकि मैं आपको देख सकूं, आपकी गलतियां देख सकूं, अगर आप कुछ कर रहे हैं आपको ठीक कर सकूं, आपको कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी दे सकूं। इतना तो होना ही चाहिए ना हमारे बीच में कम्युनिकेशन। और अब जो इस महीने कोर्स शुरू होने वाला है 11 अगस्त को सुबह 8:30 बजे हम शुरू करेंगे लाइव सेशन, और उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा जैसा कि व्हाट्सएप के मैसेज में आपको बताया गया है। जिन लोगों को इसमें अवसर नहीं मिल पाया, अक्टूबर के महीने में दोबारा जो ये कोर्स शुरू होगा उसमें वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसका भी सारा प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही बता दिया गया है। और इन नंबरों पर आप संपर्क कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं करना क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ 100 स्वर्योगी चाहता हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, अगर मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं इस देश में क्रांति ला दूंगा। शायद उस समय इंटरनेट होता, ऐसे हमारे पास साधन होते तो बहुत आसानी से उनको 100 युवा मिल जाते, 1000 युवा मिल जाते। लेकिन आज हमारे पास वो साधन है, वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम उनका लाभ उठाएंगे। हर एक कोर्स के बाद जो लगभग 10% रेशो निकलता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, जो 10% जो लोग हैं, साधक हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, मुझसे जुड़े रहेंगे, जो उन 10% को इकट्ठे करते करते जब वो 100 की संख्या हो जाएगी, तब हम जो है लाइव फेस टू फेस एक आश्रम में या किसी भी एकांत स्थान पर रहकर 7 दिन का या 10 दिन का शिविर करेंगे, और तब स्वर का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना करेंगे वहाँ। ये अगले साल जो 2025 का साल है उस साल में होने वाला गतिविधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस गतिविधि में भी जो इस कोर्स को करेंगे
थोड़े साधना को अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ ताकि आप पे दृष्टि रख सकूँ, आपको देख सकूँ कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या आपको बाधाएं आ रही हैं। और आप अगर इस कोर्स में आ रहे हो तो मेरे साथ बातचीत करने तो नहीं आ रहे, निश्चित रूप से आप किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हो। तो सबसे बड़ी समस्याएं अभी तक जो दो निकल के आई हैं वो है, सबसे पहली समस्या तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य भी। लगभग लगभग आप सभी इससे जूझ रहे हैं, कोई शारीरिक समस्या है या कोई मानसिक समस्या है। सबसे पहले तो इसको हमने ठीक करना है। तो मैं आपके साथ लगूंगा, चाहे कुछ भी साधन का प्रयोग करना पड़ जाए उसके लिए। जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम साधना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम है। तो स्वर किस प्रकार से आपके फाइनेंस को ठीक करने में, आपकी आर्थिक दशा को ठीक बेहतर करने में सहायता कर सकता है, वो भी हम उपाय जो हैं उन पर भी काम करेंगे। और मैं ये श्योर करूंगा कि आप आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंतित नहीं हैं। जब ये दो बातें पूरी हो जाएंगी तब आपको पकड़ के कहीं जंगल में ले जाऊंगा और तब वहाँ हम ध्यान की साधना करेंगे। ये मेरा अगले वर्ष का प्लान है। और अगर आप ऐसा लगता है आपको कि आपसे थोड़ी बहुत मिलती हैं मेरी बातें, अगर आप शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप जो भी लोग आना चाहते हैं इसमें उन सबका स्वागत है। लेकिन ये पहला और दूसरा कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। इससे आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि आपने इतनी साधना की हुई है, इतना स्वर को साधा हुआ है, ताकि मुझे ऐसा ना लगे मैं किससे बात कर रहा हूँ। जो बच्चा कॉलेज में जाता है तो ऐसा समझ लिया जाता है ना कि इसने 10वीं तो पास की ही होगी। तो लगभग ऐसा ही समझ लो कि जब आप एक बेसिक स्वर का एक स्टैंडर्ड पार कर लेते हो तब मैं खुल के बात कर सकता हूँ, अनेक क्रियाएं तरह तरह की आपको सिखा सकता हूँ। जैसे अभी थोड़ा सा शंख प्रक्षालन के बारे में बताया, वो इसलिए बताया कि मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को योग का गुरु उपलब्ध नहीं। अब हमने इस YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है, तो इस क्रिया का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी के साथ धीरे धीरे करेंगे, आप वो ठीक हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया, जिस रंग का पानी पी रहे हैं वही रंग का पानी बाहर निकालना है, घबराना नहीं है। जैसे लूज मोशन लगते हैं, डायरिया हो जाता है ना, दस्त लग जाते हैं, जैसे पानी निकलता है वैसे गुरुद्वार से पानी निकलेगा, आप फिर आराम करना, थक जाओगे इसको करने के बाद, फिर तीन चार घंटे के लिए नींद आएगी। आप इसको सुबह करेंगे तो दोपहर को तीन चार घंटे सो जाओगे आप। फिर शाम को आपने क्या खाना खाना है, आपने खिचड़ी खानी है, दाल की, मूंग की दाल की खिचड़ी, थोड़ा उसमें घी डाल के, बहुत सारा घी नहीं डालना, थोड़ा सा घी डालना, ताकि जो घी, जो फैट हमारे शरीर का निकल गया है पानी के साथ, उसकी पूर्ति दोबारा हो जाए। अगले दिन से दोबारा आप नॉर्मल खाना शुरू कर देना। उस दिन, जिस दिन शंख प्रक्षालन क्रिया का अभ्यास करें, कोई फल नहीं खाना, मिर्च मसाला तो खाना ही नहीं है क्योंकि आप क्रिया करेंगे। शाम को सिर्फ खिचड़ी खानी है एक बार, बस, दूध भी नहीं पीना, कोई मिर्च मसाला नहीं खाना, काली मिर्च भी नहीं डालनी खिचड़ी में, सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है उसमें। इतना करने के बाद आपकी शंख प्रक्षालन क्रिया सिद्ध हो जाएगी। कोई समस्या होगी आपकी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।